लग रहा है ना सोना रखा हुआ है, सोने पे गाड़ी चला रहे हैं। होए 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 होए, ओ भाई साहब ये पानी ग्रीन ग्रीन है भाई। तानसेन में हम अभी इतनी ऊंचाई पे है ना, पेड़ चेंज हो गए हैं भाई, मुझे अभी दिखा पीछे। ऑसम मैन ऑसम, ये माउंटेन वाले ट्रीज यार, आई रियली लव देम। एक भी स्नो केप माउंटेन नहीं दिख रहा है। अब मुझे लगता है ना मैं ही भाई पनौती हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ स्नो केप माउंटेन गायब हो जाते हैं। तानसेन पीछे पूरे स्नो केप माउंटेन्स दिखते हैं, बट जब मैं आया हूँ तो नहीं दिखेंगे एज यूजुअल। और ये है पाइन फॉरेस्ट। ऊटी क्या याद आ गया मुझे, ऐसा लग रहा है ऊटी में हूँ। सदाम को मज़ा आ रहा है, वो वहाँ पे छोटा सा दिख रहा है धौलागिरी, हल्का हल्का सा, मुझे हमेशा हल्का हल्का सा ही दिखता है, पूरा नहीं दिखता है। अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, अब मुझे बहुत जल्द जाना पड़ेगा एवरेस्ट। अब भाई साहब को मिल गई है कंफर्टेबल गाड़ी, अब मेरे पे क्यों बैठेंगे। नेपाल के ट्रेडिशनल हाउस जो होते हैं ना, एक्चुअली ऐसे होते हैं, दे आर एक्चुअली ट्रेडिशनल हाउस ऑफ नेपाल। पूरा घर लकड़ी का बना है। देखो हम गांव में हैं नेपाल के, और ये दूर दराज एरिया है, मतलब यहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं है। ये पक्का ऑफ रोडिंग है, कोई रोड नहीं, मिट्टी का रास्ता है, नीचे खाई है, पतला रास्ता था। तो जितेंद्र भी आ रहे हैं, दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा हमें। सद्दाम को पैदल चलना पड़ रहा है। यहाँ पे पिलियन एक्चुअली बैठाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अच्छा भैया बता रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ऑरेंजेस, आप पेड़ से तोड़ के खा सकते हैं। सो इस प्लेस का नाम है भैरव रिजॉर्ट। तो तानसेन से अंदर आप आते हो तो सीधे आप आ जाओ, मतलब डायरेक्टली आपको रास्ता नहीं पता चलेगा, और गूगल मैप पे मैं शो कर दूंगा आपको, अभी दिख रहा होगा आपको। तो ये जगह है, यहाँ पे बोन फायर और रात में कैंपिंग वगैरह सब होता है, बट अभी नेपाल में चल रही है आर्थिक मंदी, बता रहे हैं वो भैया कि टूरिस्ट जो है ना वो एक दो करके आ रहे हैं दिन भर में, तो उनके लिए तो मतलब
जिनका रोजी रोटी होता है ना उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, बट क्या कर सकते हैं, हम भी ऐसे टाइम पे आए हैं कि माउंटेंस नहीं दिख रहे हैं, बट ऑफ रोडिंग बहुत अच्छी हुई है और स्नो कैप माउंटेंस नहीं दिख रहे हैं, बाकी तो माउंटेंस दिख ही रहे हैं। पीछे आगे पीछे आगे नो पीछे, आ जा बैठ जा भाई। शाम हो गई है, लगभग शाम है इधर का, तो मतलब थोड़ी ऊंचाई है तो यहाँ पे सनसेट थोड़ा लेट होता है, हमारे यहाँ 5:30-6 बजे सनसेट हो जाएगा भाई, तो उस हिसाब से थोड़ा सा सही स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, ये अलग तरीके की खूबसूरती है। लोग कहते हैं ना गरीबी, कि बहुत गरीबी है इंडिया में, बहुत गरीबी है। ये देखो यहाँ पे आप भीख भी नहीं मांग सकते हो, किससे मांगोगे, राइडर्स रुकते नहीं है, रेड लाइट है नहीं, यहाँ पे लोग मेहनत का खाते हैं, टोटल मेहनत का। अभी तो भैया बता रहे थे कि नेपाल में आर्थिक मंदी चल रही है, तो सबकी हालत बहुत टाइट है। रास्ता हमें ले जाएगा सीधे बुटवल की तरफ, तानसेन के बाद से जब आप पोखरा की तरफ आगे बढ़ते हो ना, तो आपको रास्ते में छोटे 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 से कस्बे दिखाई देते रहते हैं, इधर तो पूरा आपको गांव ही दिखेगा, मतलब जो जगह दिख भी रही है बहुत छोटी सी, बहुत ज्यादा लोग होंगे तो 50 लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे इधर लोग। लग रहा है ना सोना रखा हुआ है, सोने पर गाड़ी चला रहे हैं। मैं हूँ आज़ाद परिंदा, मेरे कोई रूल नहीं होते हैं, बट जितेंद्र भैया के साथ हमारे साथ एक रूल है कि 3 हॉर्न्स का मतलब है कि आपको रुकना है या फिर सामने वाले को अटेंशन देना है। अब मैं क्या है, मैं अक्सर ही 3 हॉर्न्स दे रहा हूँ, मतलब मुझे आदत नहीं है ना, तो भैया धीरे हो जा रहे हैं अगर आगे रह रहे हैं तो, बट धीरे धीरे सीखूँगा ग्रुप राइडिंग। देखो कितना प्यारा लग रहा है, भरो भरो भाई, खड्डे भरो, खड्डे भरने बहुत जरूरी है।
डेंजर डेंजर देखना है, देखो डेंजर। हिमालयन चल जाएगी ऐसे, मेरी गाड़ी ऐसे ना चल पाएगी। तो बहुत अच्छा रहा जो सैटरडे होता है, एक एडवेंचरस सैटरडे रहा, मतलब मुझे तो मज़ा आ गया। आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे एडवेंचर्स को देखते हुए अगर आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। द एक्सपीरियंस वॉज ऑसम, किसी के साथ राइड करके और अच्छा लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था मैं कि कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी तो एटलीस्ट अ कपल ऑफ पीपल आर विथ मी। तो ये जो फीडबैक था मेरा सोलो राइड, हाँ ऑफकोर्स सोलो राइड जो होता है उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, आप खुद के साथ होते हो, बट कभी कभी लोगों के साथ भी राइड करो, वो भी एक एक्सपीरियंस होता है, वो भी लेके देखो, क्योंकि ह्यूमन जो है ना वो एक सोशल एनिमल है, एनिमल ही है हम भी, बट हम एक सोशल एनिमल हैं। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सोसाइटी में भी रहना है और एक बार रह के देखो, अच्छा लगता है। कौन कौन चाहता है कि हम दोनों और राइड्स करें साथ में, अगर आप चाहते हो तो एक बड़ा सा कमेंट कर दो जो आपका दिल करे वो कमेंट कर दो कि कैसा लगा वीडियो, क्या कमियाँ थी, क्या अच्छाइयाँ थी, सब बताओ, तभी तो मैं इम्प्रूवमेंट ला पाऊँगा। जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं भाई, नेपाल की लड़कियाँ, मैंने कहाँ कुछ बोला, मैंने तो बस ये बोला ना नेपाल की लड़कियाँ, बाकी तो भाई अक्षय कुमार भाई, ये कंप्लेन अक्षय कुमार से करो, आप मेरे से मत करो। अच्छे लोग हैं यार नेपाल के। आई विश कि टूरिस्ट आते रहें, जिस रिजॉर्ट में हम गए थे वो भरा रहे, कमाते रहें लोग यार, पैसे आने जरूरी हैं, हर चीज़ तो पैसे से ही है। किसको किसको लगता है कि दुनिया में हर चीज़ पैसे से है, और किसको किसको लगता है कि हर चीज़ पैसे से नहीं है, छोटा सा रीज़न लिख देना दोनों के आगे कि आपको क्यों लगता है कि सब कुछ पैसे से है और आपको क्यों नहीं लगता है कि सब कुछ पैसे से नहीं है। होए 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 होए, ओ भाई साहब ये पानी ग्रीन ग्रीन है भाई, अब इसकी क्या ही तारीफ करूं मैं भाई, पानी ग्रीन है इसका, कितना साफ पानी आ रहा है।